न्यूज झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का आज 65वां जन्मदिवस संपूर्ण झारखंड में मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय सुरेश साहब द्वारा गिरिडीह विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। गिरिडीह पूर्वी मंडल के पिपराटांड में मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता एवं महामंत्री प्रदीप राय के संचालन में एक कार्यक्रम का आयोजन कर विनोद राम के नेतृत्व में स्थानीय गरीब व असहाय वृद्ध लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम के पश्चात गिरिडीह मध्य मंडल के बनियाटी स्थित गांधीनगर में भाजपा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता मनोज तुरी के नेतृत्व में एवं बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहब की उपस्थिति में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के जन्मदिवस कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों वृद्ध व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित वृद्ध असहाय पुरुष एवं महिलाओं द्वारा आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को जन्मदिवस के अवसर पर आशीर्वाद दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला कार्य समिति सदस्य राजेश जायसवाल, नागेश्वर दास, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य, हीरालाल राम, दिनेश राम, नरेश भुक्ता, राजेश राम, विजय राम, संतोष पंडित, संजय तुरी, छबीला देवी, रूप नारायण राम, विजय राम, चंदोदास, बच्चू राम, दिलीप हाड़ी, रवि कुमार, रिंकू रजक समेत सैकड़ों कार्यकर्ता एवं स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता परम आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का 65वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर गिरिडीह विधानसभा के अंदर अभी हम एक पिपरा टाणा और दूसरा गांधीनगर में कार्यक्रम कर रहे हैं। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी को पहुंचाना। इसीलिए इन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है सेवा ही संगठन है। हमारा जो संगठन है वो सेवा करना ही संगठन है। गरीबों के दुख दर्द को समझने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी का सोच को आप देखिए, जिस तरह से 8 करोड़ परिवार को गैस सिलेंडर, 11 करोड़ परिवार को शौच की व्यवस्था करना, 80 करोड़ परिवार को लगातार अभी दिसंबर 2023 तक 5 किलो अनाज देना, ये संभव भारतीय जनता पार्टी में ही है। इसी तरह से बाबूलाल मरांडी जी आप देखेंगे कि जिस तरह से गरीब परिवार में पैदा हुए और लोगों के बीच संघर्ष करके और आगे जब पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हम समझते हैं कि अगर हम सेवा करते हैं और अंतिम व्यक्ति तक अगर हम विकास की किरण पहुंचाते हैं तो हमारी बात अगर सुनने वाला अगर इस देश में कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो आप देखें कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बन के रह गई। क्षेत्रीय पार्टी, तमाम क्षेत्रीय पार्टी तो एक परिवार की ही पार्टी है। आप गिरिडीह की ही बात ले लीजिए। गिरिडीह में जो यहाँ के स्थानीय विधायक, आप हम यहाँ के जनता सब जानता है कि क्या कह करके वो गिरिडीह की जनता से वोट मांगा। आज वो क्या कर रहे हैं? आज सिर्फ गिरिडीह में जमीन लूटने का काम, गरीबों का हक छीनने का काम। गरीब बेचारा त्राही माम है, उसकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है और उनके महल पे महल, रिसोर्ट पे रिसोर्ट बनते जा रहा है। ये सारी चीज यहाँ की जनता देख रही है और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें गर्व है कि हम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी संगठन को